यूट्यूब चैनल मस्ती में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि व्हाट्सएप ने पिछले साल हमें एक फीचर्स दिया था मैसेज डिलीट करने का, ताकि जो मैसेज हम गलती से भेज देते हैं कि भेजना किसी और को था, भेज किसी और को देते हैं, या ऐसा मैसेज जो नहीं भेजना चाहिए था, भेजने के बाद हमें समझ में आता है कि यह गलत मैसेज चला गया, तो उसे डिलीट करने का एक ऑप्शन दिया था कि आप उसे डिलीट कर दें। लेकिन उसका एक टाइम पीरियड रखा था, टाइम फ्रेम रखा था कि आप ये 7 मिनट के अंदर डिलीट करते हैं तभी डिलीट होगा, उससे ज़्यादा होने पर डिलीट नहीं होगा। तो बहुत लोगों की मांग थी कि इस फीचर्स के टाइम पीरियड को बढ़ाया जाए, समय को बढ़ाया जाए। तो आपके लिए खुशखबरी है कि व्हाट्सएप ने इस रिक्वेस्ट को मान लिया है और एवं इस पीरियड को बढ़ा दिया है। अब आप अपने भेजे हुए व्हाट्सएप मैसेज को 68 मिनट अर्थात 1 घंटे 8 मिनट तक में डिलीट कर सकते हैं, जो कि काफ़ी लंबा पीरियड है। इतना देर में तो आपको समझ में आ ही जाएगा कि आपने सही भेजा या गलत भेजा है, या कोई ऐसा मैसेज जो भेजा हो, भेज के बाद साफ कर देना चाहते हो तो भी कर सकते हैं कि भाई भेजा, मैंने मिटा दिया, पढ़ना था तो पढ़ लो, नहीं पढ़ना मत पढ़ो। तो इसे हम कैसे करेंगे, इस वीडियो को पूरा देखते रहिए और प्रोसेस को समझिए, मैं आगे इसे बताता हूँ। हाँ तो दोस्तों, इस फीचर को पाने के लिए सबसे पहले आप अपने व्हाट्सएप मैसेंजर को जो है अपडेट कर लें। अगर आपका पुराना वर्जन है तो उसमें ये फीचर नहीं आया होगा। मैं अपना दिखाता हूँ कि मेरा ये कौन सा वर्जन है, आप उसी अनुसार अपना वर्जन को अपडेट कर लें। जैसा कि मेरा ये वर्जन दिखा रहा है 2.18.71, इस फीचर में, इस वर्जन में ये फीचर आई है, तो अपने मैसेंजर को अपडेट कर लें अगर इससे पुराना वर्जन आपका है तो। तो इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि ये आप कैसे डिलीट कर सकते हैं। जैसा कि ये मेरा जो है ग्रुप है, और ग्रुप में देखिए ये मैंने एक मैसेज भेजा है जो फालतू का मैसेज है, जिसका कोई लेना देना नहीं है, किसी ची की कोई भी ये ढंग का मैसेज नहीं है, ये ऐसे ही टाइप करके भेजा हुआ है। इसका देखिए टाइम अभी बता रहा है 13:35 और ऊपर घड़ी में देखिए टाइम हो रहा है 14:05, यानी कि इसे भेजे हुए मुझे आधे घंटे का टाइम पीरियड हो चुका है, यानी कि पुराने वाले फंक्शन के अनुसार मैं इसे डिलीट नहीं कर पाऊंगा, लेकिन नए फंक्शन में जो 68 मिनट का टाइम दिया उसके अनुसार मैं इसे आराम से डिलीट कर सकता हूँ। तो देखता हूँ कि ये डिलीट होता है कि नहीं होता। इसे मैंने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद ऊपर जो है डिलीट का ऑप्शन आ रहा है, उस पर क्लिक किया और देखिए अभी भी ये तीनों ऑप्शन मेरे आ रहे हैं, डिलीट फॉर मी, कैंसिल, डिलीट फॉर एवरीवन, यानी मैं इसे डिलीट फॉर एवरीवन करूंगा और ये सारे लोगों के लिए डिलीट हो जाएगा। पहले ये केवल 7 मिनट तक ही आते थे, उसके बाद सिर्फ ऊपर वाले दोनों ऑप्शन ही आते थे, कैंसिल और डिलीट फॉर मी, लेकिन इसमें देख रहे हैं कि 30 मिनट बीतने के बाद भी ये आ रहे हैं इस तरह, और ये मैंने डिलीट किया और ये मैसेज जो है डिलीट हो गया आपका। इस तरीका से आप इसे यूज कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा फंक्शन है। इसी के लिए आप व्हाट्सएप को धन्यवाद कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर नए फीचर्स, किसी नई जानकारी, नए फीचर्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।